हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पवित्र यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखंतु आज अपडेट रही स्कॉलरशिप रिलेटेड किसी अपडेट रही तो आपणकर फ्रेशर एंड रिन्यूअल पिलानों पर डेडलाइन एक्सटेंशन हो जाए से विषय में डिटेल्स इनफर्मेशन जाने वा। तो फ्रेंड्स भिडियोटी संपूर्ण रूपे देखिए, जमा भी स्किप करेंगे ना। तो फ्रेंड्स चलतु डेरी नक जल्दी भिडियोटी स्टार्ट करवा। देखूँ सर्वप्रथमे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, देन क्रोम ब्राउजर सर्च बारे सर्च करदे स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल। स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल सर्च कलापर आपको यह इंटरफेस देखा मिले। तो आप कौन करेंगे देखिए, सर्वप्रथमें गोटे लिंक आपको देखा मिलूँ, जस्ट आप स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल यही लिंक रे क्लिक कर करदे। तो क्लिक कर दिंतु, एठारे क्लिक कलापर आपन को यह भाया इंटरफेस देखा मिले। तो देखु आप जस्ट या छकी चिन्ह क्लिक कर करदे। एठारे क्लिक कलापर आपको यह भाया इंटरफेस देखा मिले। तो देखु आपणकर डेडलाइन एक्सटेनसन हो जाकि फ्रेशर एंड रिन्यूअल स्टूडेंट मानक आपणकर डेडलाइन एक्सटेनसन हो जा। तो देखु स्क्रॉल डाउन करदे, आपण जस्ट आपण एठारे क्लिक करदे। देखु अप्लाई स्कॉलरशिप, जस्ट आपण एठारे क्लिक करदे। क्लिक कर दिंतु, एठारे क्लिक कलापर आपको ये भाई इंटरफेस देखा मिले। जस्ट आपण या स्क्रॉल डाउन करदे। देखु आपणकर स्कीम कालिया स्कॉलरशिप आपणकर 10 नवंबर सहित एक्सटेनसन हो जाकि 9 डेज लेफ्ट रही स्क्रॉल डाउन कर दिंतु। तापर देखिए कालिया स्कॉलरशिप एसी से ही 10 नवंबर 2021 पर्यंत डेडलाइन एक्सटेनसन हो जापुर। देखु कालिया स्कॉलरशिप एसटी 10 नवंबर 2021 पर्यंत डेडलाइन एक्सटेनसन हो जापुर। देखु कालिया स्कॉलरशिप ओबीसी एंड एससीबीसी से ही 10 नवंबर 2021 पर्यंत डेडलाइन एक्सटेनसन हो जा। सेपुर स्क्रॉल डाउन कर दिंतु, कालिया स्कॉलरशिप ईबीसी डेडलाइन एक्सटेनसन हो जा, डेट सेम रोज जहाँकि 10 नवंबर 2021। सेपुर नेक्स्ट देखु एसटी एंड एससी एमबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट जहाँकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जहाँकि ईबीसी 15 नवंबर 2021 पर्यंत डेडलाइन एक्सटेनसन हो जा। सेपुर देखु ये एसटी एंड एससी एंड एमबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट रही जहाँकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रही जहाँकि आप देखिपारे ओबीसी एंड एससीबीसी 15 नवंबर 2021 पर्यंत डेडलाइन एक्सटेंशन हो जापुर। देखु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जहाँकि एससी 15 नवंबर 2021 पर्यंत डेडलाइन एक्सटेंशन हो जापुर। देखु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जहाँकि एसटी 15 नवंबर 2021 पर्यंत डेडलाइन एक्सटेंशन हो जापुर। यह सबू आपणकर डेडलाइन एक्सटेंशन हो जा। जो मैंने स्कॉलरशिप आवेदन करना बहुत बड़ खुशी खबर जे से आवेदन करेंगे जहाँकि डेडलाइन एक्सटेंशन हो जा। तो फ्रेंड्स जदि आप स्कॉलरशिप आवेदन करना देन एबे ही आवेदन कर दिंतु जहाँकि आपणकर 15 नवंबर 2021 पर्यंत आपणकर डेडलाइन एक्सटेंशन हो जाकि फ्रेशर एंड रिन्यूअल स्टूडेंट मानक बहुत बड़ अपडेट रही। ता सहित देखु आपण मैंने फकीर मोहन ई मेधावृत्ति स्कॉलरशिप जदि आवेदन करार डेडलाइन आपणकर क्लोज हो जापर कि डेडलाइन एक्सटेंशन हुए आम आपको यथासंभव आपण को अपडेट करदेव। तो फ्रेंड्स एपर्तंत आपणकर ई मेधावृत्ति एंड जहाँ भी फकीर मोहन भाषावृत्ति जो स्कॉलरशिप एपर्तंत पेंडिंग रोचे। तो फ्रेंड्स वेट करूँ कि समय आपणकर प्रॉब्लम टा सॉल्व हो जीवो। तो एपर्तंत किसी अपडेट रही जहाँकि डेडलाइन रो एक्सटेंशन विषय यह फ्रेंड्स आपणकर फ्रेशर एंड रिन्यूअल रो डेडलाइन एक्सटेंशन रो डिटेल्स। तो फ्रेंड्स आपण मैंने निश्चित भाव में देखिपारे डेडलाइन एक्सटेंशन हो जा। तो फ्रेंड्स जदि आप आवेदन करना देन जल्दी आवेदन कर दिंतु जहाँकि डेट बहुत कम रही। आई होप आपण मैंने डिटेल्स इनफर्मेसन पाईपारी कि भी जब आप डाउट रोचे निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जदि भिडियोटी भल लगी था निहाती भाव में भिडियोटी को लाइक करेंगे आउ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करदे। थैंक यू।